अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं। इसके बावजूद बदमाश बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, मगर अब मऊ जनपद में पुलिस अपराधियों पर नकेल कसने के लिए एक खास रणनीति पर काम कर रही है। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस अब GPS कैमरे का इस्तेमाल करेगी, जिससे पुलिस को बदमाशों का घर ट्रेस करने में आसानी होगी। इसी खास रणनीति को लेकर कोतवाली में COCT धनंजय मिश्रा ने दरोगा समेत सभी पुलिस कर्मियों को खास निर्देश दिया। उन्होंने बताया कि पुलिस कर्मी अपराधियों की फोटो GPS कैमरे में लिया करें, ताकि कभी भी किसी भी बदमाश के घर दबिश देने से पहले GPS से उसका घर ट्रेस करने में आसानी हो सके। COCT धनंजय मिश्रा ने बताया कि जिले में आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अगर कोई बाहर से एजेंसी किसी अपराधी को पकड़ने के लिए आती है, तो उन्हें बदमाश तक पहुंचने में GPS कैमरे से ली गई फोटो उनके घर का पता दे देगी, जिससे वो आसानी से अपराधियों के घर तक पहुँच सकेंगे। हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय ने कल गूगल मीट पर VC करके हमारे अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए निर्देश दिया था, तो आज थाना कोतवाली के जो अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे, उन आदेश निर्देशों को इन तक बताया गया है कि उसका कैसे पालन करना है, जिसमें बीट सूचना अंकन कराना, जो बाहर के संदिग्ध लोग हैं उनके बारे में फर्द कटवाना, जो ठेले को खुमचा जो अतिक्रमण किए रहते हैं उनका 34 का चालान करना, NBW का तामिला कराना, जो बड़े अपराधों में जमानत लिए हैं उनकी हैसियत देखना कि क्या वो जमानत लेने लायक हैं या उन्होंने ऐसे ही जमानत ले लिए फर्जी, तो उसको तस्दीक करना, अगर गलत पाया जाए तो उनके खिलाफ कार्रवाई करना, अभियोग पंजीकृत कराने की जरूरत होगी तो अभियोग पंजीकृत कराना। बाकी जो लोग जमानत पर छूटे हैं, जो बड़े अपराधी हैं, उनका सत्यापन करना। सर, GPS के माध्यम से जो पुलिस है वो लोगों के घर जाएगी? GPS के माध्यम से पुलिस अब लोगों के घर जाएगी जो अपराधी है? GPS कैमरे से फोटो लेने से हमको फ़ायदा ये होगा कि जैसे जो अपराधी है उसके घर का हम GPS कैमरे से अगर फोटो लेंगे तो वहाँ का लैट लांग हमको मिल जाएगा। तो लैट लांग हमारे पास अगर रहेगा और कोई नया आरक्षी आया है, नया उपनिरीक्षक आया है या नया इंस्पेक्टर आया, कोतवाल आया, तो अगर उसको नहीं पता है कि उसका घर कहाँ है, तो लैट लांग से यहीं से वो अपने GPS मोबाइल कैमरे से रूट गूगल पे जाके वो जा सकता है सीधे उसके घर, तो उसका घर हमारे पास परमानेंट लोकेट रहेगा। यहाँ से अब उसको लोकेट कर लेंगे कि उसका घर कहाँ है, तुरंत वहाँ सीधे पहुँच सकते हैं। कोई बाहर की एजेंसी आ रही है तो उसको भी हम GPS और लैट लांग दे देंगे, अगर कोई बनारस का आदमी है उसको ढूंढ रहा है तो वहीं से वो अपना रूट बना लेगा और उसके घर सीधे जाके कार्रवाई कर लेगा। दरअसल मऊ पुलिस ये कदम इसलिए उठा रही है क्योंकि क्राइम होने के बाद पुलिस को बदमाशों का घर ढूंढने में अक्सर काफी देरी होती थी। सही पता नहीं होने की वजह से कई बार अपराधी पुलिस के पहुंचने से पहले ही घर से फरार हो जाते थे। ऐसे में अगर पुलिस अपराधियों के घर जाकर उनका फोटो GPS कैमरे में लेगी, तो हमेशा के लिए वो फोटो पुलिस को उसके घर का लोकेशन बताते रहेगी। पंजाब केसरी TV के लिए मऊ से जाहिद इमाम की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।